औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर की सबसे बड़ी तालाब संजय जलाशय सुर्खियों में है पिछले कुछ दिनों से, जहां अवैध रूप से तालाब की खुदाई कर पीली मिट्टी निकाली जा रही है। अब ताजा मामला नगर पालिका से लगी ग्राम पंचायत बंजारी द्वारा संजय जलाशय की तालाब से पानी चोरी व अवैध तरीके से तालाब के किनारे बिना अनुमति के कुआ खुदाई का कार्य किया जा रहा है। पीथमपुर नगर पालिका मुख्य अधिकारी निशिकांत शुक्ला ने कहा है कि संजय जलाशय से नगर पालिका पीथमपुर पीने का पानी लेती है, साथ ही इसका जल एक्वीएन द्वारा उद्योगों में सप्लाई किया जाता है। पास के ग्राम पंचायत बंजारी जो इंदौर जिले के अंतर्गत आता है, उसकी सरपंच सचिव द्वारा बिना अनुमति तालाब में कुआ खोदा गया, जिसको लेकर उनके कारण बताव नोटिस जारी कर संबंधित सिंचाई विभाग एवं इंदौर और धार जिला कलेक्टर को भी अवगत करवाया है। दोषी पाए जाने पर जिम्मेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, संजय जलाशय से नगर पालिका पीथमपुर जो है पीने का पानी लेती है, जैसा आप सभी जानते हैं, और यहीं से एकेवीएन के इंडस्ट्रीज को भी पानी जाता है। उस संजय जलाशय के पास में ग्राम पंचायत बंजारी बनी हुई है, जो कि इंदौर नगर जिले की सीमा में आती है। वहाँ के जो सरपंच और सचिव हैं, उन लोगों ने बीती रात जो है उसमें अवैध रूप से उत्खनन शुरू कर दिया, जिससे कि जो तालाब का वेस्ट वेयर है, तालाब का जो नीचे का हिस्सा है, उसके फूटने का जो है डर उत्पन्न हो गया है। इस संबंध में हमने सरपंच और सचिव दोनों को पत्र भी लिखा है, और हम शीघ्र ही उसकी मरम्मत भी शुरू करने जा रहे हैं। जो संबंधित विभाग, जल संसाधन विभाग, जिसका स्वामित्व है उस तालाब पर, हमने उन्हें भी पत्र लिखा है, और हमने दोनों जिलों के कलेक्टर साहबान को भी इस घटना के संबंध में अवगत कराया है।